सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने। प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया और काफी हर्ष की बात है कि हमारे विभाग के लोग हवाई सर्वे का काम पूरा करने के बाद अभी फिजिकल वेरिफिकेशन जा करके सब जगह हो रहा है। 20 जिला में यह हमारा काम चालू है और इसी के दरमियान मैं जब शेखपुरा जिले के घाट कुसुम्बा कैंप में गया, वहाँ इंस्पेक्शन किया, बड़ी खुशी मिली कि वहाँ पर अब हम लोग सर्वे जो हुआ उसका खतियान हम लोग देने की स्थिति में आ गए। ऐसे हमारे 40 गांव रेडी हैं जिसको मैं अक्टूबर के महीने में उन लोगों को खतियान देना मैं प्रारंभ कर दूँगा। उसके पहले बहुत सारा खाना पूर्ति है, तैयारी की जाती है और जिन लोगों को ऑब्जेक्शन है, कोई आपत्ति है, उनको सुनवाई भी होता है। सुनवाई के उपरांत समस्या के निदान करने के बाद हम सब उन लोगों को खतियान उपलब्ध कराएंगे और 20 जिले के अलावा और जगह भी मेरा काम चल रहा है। और निश्चित रूप से 2022 के जनवरी से जहां हमारे कुछ जिले 18 जिले बचे हैं, जिसमें से तत्काल मैं 4-5 जिलों में बड़ा जिला है उन जिलों को टेकअप करके वहां भी सर्वे का काम शुरू होगा। तो उनका फर्स्ट फेज में बहुत सारे काम जो होते हैं, ऑफिस को सेटल करना, ट्रेनिंग देना, ये सब प्रक्रिया हम लोग शुरू करेंगे। तो निश्चित रूप से हमारा काम आगे बढ़ेगा और ये हमारा जो सर्वे का काम चल रहा है इससे आने वाले समय में नए पीढ़ियों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। तो आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा इस कार्यक्रम किए हैं और आपके गाँव में सर्वे चल रहा है, आपके जो परिवार जहाँ हमारा खतियान का वितरण होने वाला है तो ऑनलाइन भी अपलोड होगा। और लेकिन एक बार अपने घर आ करके अपने जमीन का फिजिकल वेरिफिकेशन करके कैंप के हमारे पदाधिकारियों से मिलकर के एक बार जांच जरूर करा लें, देख जरूर लें कि भविष्य में ऐसा नहीं हो कि आपको सिविल कोर्ट जाना पड़े। अभी सरकार पूरी खुला व्यवस्था है और आपके घर जा करके एक एक चीज़ का निराकरण करने के लिए तैयार है। हमारा असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर है, बंदोबस्त अधिकारी हैं, कानूनगो हैं, अमीन हैं, सब आपके पास जाते हैं। तो आपके पास स्वतः घोषणा पत्र भी देना आपको, यानी सारी प्रक्रियाएं बनाई गई हैं और जिसको आप सरल तरीके से देख सकते हैं, लिख सकते हैं, पन्ना ले सकते हैं, वहां से प्राप्त कर सकते हैं, सारी व्यवस्था है। तो मैं आपके माध्यम से अपने तमाम बिहारवासियों के भाइयों से कहना चाहूँगा और ख़ास करके जिनके यहाँ ये सर्वे का काम चल रहा है, अगर अभी पत्रकार बंधु ने कहा कि जो लोग बाहर रहते हैं तो मैं आग्रह करना चाहूँगा कि वो बाहर रहते हैं, उनके कोई ना कोई परिवार के सदस्य होंगे, लेकिन आज के दिन में आप अपने ज़मीन का मालिक आप खुद हैं। किसी अन्य पर विश्वास न करें, खुद आकर के अपने नज़र से वेरिफिकेशन कर लें और तब आप अपना खतियान प्राप्त